हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओएस पॉइंट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जैसे कि मैंने चैनल की शुरुआत की थी तब स्टडी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता था। बहुत पहले कम से कम 80-85 वीडियो मैंने स्टडी से रिलेटेड अपलोड की थी, फिर राइट्स की वीडियो अपलोड की और फिर उसके बाद टैक्स की वीडियो अपलोड की। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा बेटर, जैसा कि मैंने कॉमेडी टैग में एक टैग किया था जिसमें मैंने वोटिंग मांगा था आप लोगों से, तो आपने सबसे ज़्यादा परसेंट 73% उसमें आप लोगों ने किया है कि स्टडी से रिलेटेड। तो स्टडी से रिलेटेड ही मैं आज के बाद वीडियो बनाऊंगा। तो स्टडी से रिलेटेड जैसे नई नई भर्तियाँ आती हैं सभी राज्यों में, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर कोई भी पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया जाता है, सेंट्रल की और स्टेट की दोनों ही भर्तियों के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आज की वैकेंसी है, आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है उत्तराखंड से 854 पोस्टों पे नई भर्ती आई है। अलग अलग विभागों में है ये, क्या क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए, पूरी बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ उत्तराखंड की वेबसाइट पे। पहले हम देख लीजिएगा, पहले मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ क्या क्या चाहिए होगा। ये उत्तराखंड सरकार ने स्टेट लेवल के लिए निकाली है। जिस किसी स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड से 10th और 12th किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो क्राइटेरिया है, ज़्यादातर वैकेंसी ग्रेजुएशन लेवल से हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी है इसमें ग्राम विकास अधिकारी की, BDO की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है इसमें, जिसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी 12th के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट जिसका नाम है CCC होना चाहिए। CCC होगा तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे, यानी कि सारी पोस्टों के लिए नहीं, खाली ग्राम विकास अधिकारी के लिए तब एलिजिबल होगे जब आपके पास कंप्यूटर का बेसिक सा एक सर्टिफिकेट होगा जिसका नाम है CCC। चलिए बात कर लेते हैं इसका। जो आवेदन मांगा था उन्होंने, आवेदन 6 नवंबर से आ गया था दोस्तों, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 दिसंबर तक। काफ़ी लॉन्ग टाइम है, जैसा कि आप जान सकते हैं। उसकी आवेदन प्रक्रिया 10 नवंबर से चालू हो गई थी और 24 नवंबर के बीच में यानी 44 दिन का आपके पास टाइम था इसको भरने के लिए। अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। इस वीडियो में 17 नवंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि CCC भी वैसे एग्ज़ाम लेने में काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम डेट इन्होंने रखी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देख लीजिएगा, इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी किसी पोस्ट में इसमें टाइपिंग भी मांगा है, किसी किसी पोस्ट में। आप जब नोटिफिकेशन को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा किस पोस्ट में आप टाइपिंग मांगा है और किस में CCC मांगा है, और कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो केवल गर्ल्स के लिए एलिजिबल हैं, उसमें लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो लड़कियां सुपरवाइज़र है वो पोस्ट का नाम, जो ओनली वुमेन्स के लिए है, उसमें 34 पोस्ट हैं। ये वो लोग अप्लाई कर सकती हैं जिनके पास होम साइंस है, या सोशल वर्कर हैं, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट हैं, या फिर उनके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है। ये इसमें मांगा गया है और इसमें 854 वैकेंसी है। चलिए चलते हैं हम इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन दिया है इन लोगों ने, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें नोटिफिकेशन आया था, ये 6 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, 10 नवंबर को आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ऑनलाइन की अंतिम तिथि है 24 दिसंबर 2020 और 26 दिसंबर को आप फीस कटवा सकते हैं। और देखिएगा, इन लोगों ने लिखित परीक्षा की तिथि है वो भी मेंशन करी है। लिखित परीक्षा की तिथि मई 2021 में रखा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों 21 में ये एग्जाम नहीं होने वाला है। हालांकि आप अपनी तैयारी मई 2021 के अकॉर्डिंग ही करना, यानी कि एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम तो ये पहले ही रख देते हैं लेकिन लेते नहीं है कभी टाइम पर। देखिएगा, इनको कितनी कोई भी जल्दी नहीं है। इन्होंने फॉर्म भरने की डेट में, डेट आवेदन से और अंतिम डेट में ही 44 दिन का अंतर दिया है इनको, यानी कि यहाँ से ही पता चल रहा है कि कोई जल्दी नहीं है। और बाकी आप पोस्ट देख लीजिएगा, अलग अलग विवरण है दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहली पोस्ट है सहायक समाज कल्याण अधिकारी की, 35 पोस्ट हैं इसमें। आपने ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप भर सकते हो। देखिएगा, पोस्ट अलग अलग राज्यों से, सबसे मेन पोस्ट है वो ग्राम विकास अधिकारी की है, मैंने बताया है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की इसमें पोस्ट है, 292 पोस्ट है। इसको जरूर देखिएगा आपके राज्य में है, या आपके जिले में है। जिले वाइज पोस्ट है सारी ग्राम विकास अधिकारी की, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। CCC इसमें मांगा है और इसकी फीस
मैं बता दूं फीस जो रखी गई है, फीस इसकी जनरल वालों के लिए 300 रुपये है। जैसे कि UK SSSC की जितनी भी वेबसाइट पे जितनी भी वैकेंसी आती है ना, सब में 300 रुपये होती है जनरल वालों की, और STSC वालों के लिए 150 रुपये होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी कोई सारी चीज़ें मैंने बता दी इसमें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बाकी इसमें कुछ है नहीं, पेपर पैटर्न मैं बता दूंगा, जैसे ही ये फॉर्म को आप फिल कर दोगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस ने ये फॉर्म को फिल किया है और कैसा पैटर्न रहने वाला है एग्ज़ाम का, ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा। दोस्तों जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइम पर मिले।